भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बैकटपुर गांव में कड़ाके की ठंड के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार ने बताया कि बैकटपुर गांव निवासी उचित मंडल के 55 वर्षीय पुत्र रामजी मंडल 20 जनवरी की देर शाम मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें ठंड लगी और वो शाहबाद चौक के समीप गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी सीओ रवि कुमार और थानाध्यक्ष प्रिय रंजन को दी गई। फिलहाल प्रशासन द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस पूरे घटना की जाँच कर रही है। ये मजदूरी करके गरीब आदमी है, मजदूरी करके शाम को घर लौट रहा था। क्या नाम घर? ये इसका नाम रामजी मंडल है, पिता उचित मंडल, ग्राम बैकुंठपुर, वार्ड नंबर 25 का है, नगर परिषद सुल्तानगंज का। ये मजदूरी करके लौट रहा था, घर लौटने के क्रम में शाहबाद चौक से आगे आया और ठंड के कारण ये गिर गया। तो कुछ देर तक तो वहीं रहा। जब सूचना मिला घर वालों को कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठंड के कारण गिर गया है, तो जब लाने के लिए गया, लाने के क्रम में ही मृत्यु हो गई। तो इसके लिए ठंड के कारण इसकी मौत हुई। हाँ, ठंड के कारण मौत हुई है। और हम सीओ साहब से भी बात किए हैं, तो सीओ साहब बोला पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। थाना प्रभारी सुल्तानगंज से भी बात किए, बोला कि उसको थाना लाना पड़ेगा, उस पर रिपोर्ट बनाएंगे पोस्टमार्टम। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए तैयार हैं, पोस्टमार्टम के लिए। और इसको जो भी आपदा प्रबंधन से जो भी सरकार के द्वारा जो भी राशि मिलती है उसको मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर जिला के सरायरंजन में 591 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का फीता काटकर व शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। अस्पताल का उद्घाटन करने के पश्चात मुख्यमंत्री ने अस्पताल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में आयोजित जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का आज उद्घाटन हुआ है। इस सुंदर अस्पताल में इलाज की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब सभी को इलाज के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और वित्त वाणिज्य कर व संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी संबोधित किया। बता दें कि 500 बेड वाले इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां प्रतिवर्ष मेडिकल के लिए 100 विद्यार्थियों का नामांकन भी होगा। अस्पताल परिसर में ही अधीक्षक, प्राचार्य, चिकित्सक, कर्मीगण एवं छात्र छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए धर्मशाला का भी प्रावधान कराया गया है। मौके पर शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, सांसद रामनाथ ठाकुर, विधायक अजय कुमार, चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक श्री दिनेश कुमार समेत अन्य गणमान्य अतिथि व अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा एवं गणतंत्र दिवस को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष प्रिय रंजन ने की। इस दौरान थानाध्यक्ष ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मंदिरों में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, भक्ति गाना बजाएं, अश्लील गाना बजाने पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने सभी मंदिरों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होने की बात कही। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, नगर परिषद सुल्तानगंज के पार्षद राजकुमार गुड्डू, पूर्व सभापति दयावती देवी, भाजपा नेता संजय चौधरी सहित मुखिया, सरपंच एवं सभी राजनीतिक संगठन के साथ हुई संयुक्त बैठक में सभी वक्ताओं ने बारी बारी से अपनी बातें रखी। मौके पर मोहम्मद इजराइल, पंकज यादव, सुभाष पोद्दार सहित स्थानीय नेता एवं सामाजिक संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। हर जगह फोर्स का डिप्टेशन रहेगा, सिविल में भी हमारे पदाधिकारी और फोर्स घूमते रहेंगे और जनता का सहयोग लिया जा रहा है। जनता के सहयोग से जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व अगर किसी तरह का गलत कार्रवाई करने का सोचेंगे तो उनको सख्ती से कार्रवाई। क्या दिशा निर्देश होगा सर मंदिरों में, जैसे बाजा हो या गाना? डीजे पर तो प्रतिबंधित है, डीजे तो पूर्ण प्रतिबंधित है, उसमें कोई दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं। तो पहले से निर्देशित है कि डीजे संचालन नहीं होगा। अगर छोटा मोटा लाउड स्पीकर वगैरह भी बजा रहे हैं तो उसका कंट्रोल आयोजक के पास होना चाहिए। किसी तरह का भलगर या कोई ऐसा संवाद उससे नहीं प्रचारित किया जाए जिससे दूसरे को तकलीफ हो, किसी दूसरे को।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बाईस जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में बांका के अमरपुर में कई जगह बाइक रैली एवं राम धुनी का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर अमरपुर थाना परिसर में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अंचलाधिकारी ने मीडियाकर्मी से बात करते हुए बताया कि क्षेत्र में किसी प्रकार की भ्रामक जुलूस नहीं निकाली जाएंगी, साथ ही डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं अमरपुर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार के हथियार के साथ जुलूस में लोग शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सभी से इस महापर्व को शांति एवं सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद, नगर अध्यक्ष रीता साह, समाजसेवी संजय साह, मुखिया सुभाष दास सहित सैकड़ों की संख्या में राम भक्त एवं समाज सेवी मौजूद रहे। कल के विधि व्यवस्था के संधारण हेतु हम लोग ने शांति समिति की बैठक की, जिसमें हम लोग पीछे सभी से निवेदन किया कि जहाँ जहाँ भी राम धुनी हो रहा है वहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे, और अगर थोड़ी सी भी कुछ इधर उधर की बात आती है तो प्रशासन को भी इत्तला करेंगे। इसके साथ ही एक जगह शोभा यात्रा की बात चल रही थी, तो उसके शोभा यात्रा के लिए हम लोग ने उसका आवेदन मंगवाने का जिक्र किया है, ताकि वो स्पष्ट रूट चार्ट के साथ और टाइम के साथ होते, ताकि हम लोग उसके लिए मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन करवा सके, पुलिस बल की तैनाती करवा सके, और सबसे अपील किया गया है कि जो हमारा जुलूस यात्रा है या रामधुनी है उसको शांति ढंग से संपन्न करें। शोभा यात्रा के लिए क्या दिशा निर्देश है? शोभा यात्रा के लिए बाइक का नहीं होना चाहिए यहाँ, उसके बाद तलवार, लाठी, भाला इत्यादि के साथ वो शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसी के साथ शांति जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उसका फोन नंबर के साथ हम लोग के साथ रहेगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना के वक्त हम लोग उनसे तत्काल संपर्क करके यथोचित कार्रवाई कर सकें। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के आनंद मार्ग जागृति कस्माबाद में अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र बाबा नाम केवलम को लेकर 24 घंटा चले अखंड संकीर्तन समारोह का समापन रविवार को किया गया। इस दौरान आनंद मार्ग के प्रचारक संघ के आचार्य धीरजानंद, ब्रह्मचारिणी लतिका आचार्य, आचार्य राम कृपानंद समेत संघ के अन्य सदस्य एवं बैकटपुर दुधेला पंचायत के मुखिया अरविंद मंडल के द्वारा कम्बल वितरण करते हुए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं नारायण सेवा कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कीर्तन में आनंद मार्ग आश्रम के सदस्य एवं भक्तों द्वारा आश्रम में पूजा पाठ कर भजन किया गया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों का उत्साह वर्धन करने के लिए सेवा शिविर लगाया गया है। कीर्तन में मायागंज के डॉक्टर प्रवीण कुमार कौशल, डॉक्टर पंकज कुमार यादव, डॉक्टर अनु कुमारी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम सफल हुआ है न, स्थापना दिवस के ऊपर तो से इस वस्तु में सुविधा कीर्तन हुआ, मेडिकल कैंप, कम्बल वितरण, नारायण सेवा, और मुखिया जी, अरविंद मुखिया डॉक्टर साहब बहुत आए थे, नाम बताइए हमको, नाम याद नहीं आ रहा है, नाम याद है। इन लोगों के द्वारा आज इनके द्वारा संपन्न हुआ, असमापन समापन हुआ। नाम अपना? आचार्य राम कृपानंद अभी बी एस भागलपुर